I'm Neetu Bhagat, coordinating this program and induction programs at AICTs. And my personal achievement, I have already shared that I will start exploring various proposals given during this. Though मैंने काफी आप लोगों से मतलब अपनी बात भी रखी, कहीं पे मैच नहीं करती, कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रही है, बट आई एम 100% श्योर कि जो आपके प्रपोजल्स हैं दे आर करेक्ट, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है. थिंग इज कि मैं अभी उससे शायद कन्विंस नहीं हो पा रही, मुझे कन्विंस होना है, मुझे होना है, और वो तभी स्टार्ट होगा जब मैं एक्सप्लोर करूंगी उस चीज को. एंड मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आधा, जिसमें हम थोड़ा सा कह रहे थे कि वाई वन शुड नॉट बी एम्बिशियस बहुत ज्यादा, लेकिन यस आपकी बात एकदम ठीक है, मेरी भी ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन भी खत्म है. ओनली थिंग इज की एक्सप्लोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एंड वो शुरू हो गई इस वर्कशॉप का. मुझे पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि मैंने एक्सप्लोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे अब काम किया, और बहुत सीरियसली मैंने इस वर्कशॉप को लिया. और मुझे लगता है कि काफी चीजें जो मैंने पहले भी दो तीन वर्कशॉप में सुनी थी, और शायद इस वर्कशॉप में काफी क्लैरिटी उसके बाद में आई है. और AICTE के लिए मैं चाहती हूँ, जब ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, सभी को कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट हुआ है, तो वाई वी शुड डू इट वंस इन अ ईयर, वाई नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, सो दैट मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिले. और ये तो पक्की बात है कि काम चलते रहेंगे और काम के लिए लोगों को बीच में जाना है तो जाएंगे, कोई बात नहीं. लेकिन हो सकता है ऐसे, जैसे मैं भी बीच में गई, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने, मतलब हो सकता है कि 100% नहीं तो, लेकिन 80% मैंने कुछ ग्रास्प किया आउट ऑफ दिस वर्कशॉप. कुछ ना कुछ ऐसा करके हमको ऐसा मॉडल निकाल के AICTE के लोगों के लिए इस प्रोग्राम को बार बार करना चाहिए. तो ये है. और जो लोग AICTE के इसमें जुड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए, स्पेशली डालचंद सर आप बात कर रहे थे बेटी के लिए, हमारे रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, बेटी को कहिए कि अटेंड करे, कुछ नहीं होना. अच्छा करती है? अरे बहुत बढ़िया, करते रहते हैं. ये स्ट्रेस ना हर किसी को लाइफ में, हर किसी को है. लेकिन इसका सोल्यूशन इसी में, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि यू हैव टू बी यू नो सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. हम कह रहे हैं कि हमें चाहिए, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, वी आर अफेक्टिंग अवर हेल्थ, ये भी सच बात है. तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है. वी शुड ऑलवेज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑन दिस. जब इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. थैंक यू.